क्वेश्चन नंबर 5 है, द कैपेसिटी ऑफ ए क्यूबॉइडल टैंक इज 50,000 लीटर्स ऑफ वाटर. Find the breadth of the tank if its length and depth are respectively 2.5 meter and 10 meter. अब देखिए इस क्वेश्चन में एक क्यूबॉइडल वाटर टैंक की जो कैपेसिटी दी गई है, जो वॉल्यूम दिया गया है वो लीटर्स में दिया गया है और उसकी लेंथ और डेप्थ जो दी गई है वो मीटर में दी गई है और हमें उस टैंक की ब्रेथ निकालनी है. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वॉल्यूम को हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम इसकी ब्रेथ निकालेंगे. चलिए जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं. अब देखिए चूंकि दिया गया है दैट लेंथ L इज इक्वल टू 2.5 मीटर एंड ब्रेथ को हम B मान लेते हैं एंड हाइट H इज इक्वल टू 10 मीटर. अब देखिए इस क्यूबॉइडल वाटर टैंक का जो वॉल्यूम दिया गया है दैट इज 50,000 लीटर और जैसा कि हम जानते हैं, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में बताया भी गया था, दैट 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1,000 लीटर. अब इस इक्वेशन को हम पलट देते हैं. सिमिलरली 1,000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, क्योंकि हमको लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है. देयरफॉर 1 लीटर इज इक्वल टू 1 upon 1000 meter cube. Therefore, 50,000 liter is equal to 1 upon 1000 into 50,000. तो ये हो जाएगा 50 मीटर क्यूब. तो उस क्यूबॉइडल वाटर टैंक का जो वॉल्यूम होगा दैट इज 50 मीटर क्यूब. अब बहुत ही सिंपल है, अब इसकी हम ब्रेथ निकाल लेते हैं. नाउ वॉल्यूम ऑफ द टैंक इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट और वॉल्यूम ऑफ टैंक है 50, लेंथ है हमारी 2.5, ब्रेथ हमें निकालनी है और हाइट है 10 मीटर. अब इन सबको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो B की वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर एंड दैट इज आवर आंसर.